when a person commits himself and says, yes, I am going to be a house of prayer. और ये तब होता है जब एक व्यक्ति अपने आप को संकल्पित करता है और कहता है हाँ मैं प्रार्थना का घर होने जा रहा हूँ। See, till now you are trying to build your name. और देखिए अभी तक आपने अपना नाम बनाने की कोशिश की। Hello? मैं ऐसा करूंगा थोड़ा सा बैंक में डालूंगा ऐसा करूंगा फिर सब मेरा रिलेटिव्स मेरे को सलाम मारेगा यू नो ऑल दैट कम ऑन वी आर ह्यूमन बीइंग्स वी वांट दैट हम इंसान हैं और हमें इन सारी चीजों की जरूरत होती है बट लेट गॉड गिव यू अ नेम मगर होने दो कि परमेश्वर आपको नाम दे से आमेन चर्च आमेन बोलिए कलीसिया इवन देम आई विल ब्रिंग टू माय होली माउंटेन एंड मेक देम जॉयफुल इन माय हाउस ऑफ उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के घर में आनंदित करूंगा How many listening right now? कितने सुन रहे हैं अभी? You, when you become a house of prayer, जब आप प्रार्थना का घर बनते हैं, God will start revealing things to you. परमेश्वर आप पर चीजों को जाहिर करने लगेगा. He will give you access into His presence. और उसकी उपस्थिति में आपको पहुंचने की वो विशेष सुविधा देगा. And the first thing that you'll encounter in your life as you turn to the Lord in prayer is that your life will be filled with joy. Tell your neighbor joy. और पहली चीज जो आपकी जिंदगी में आपकी मुठभेड़ होगी जब आप प्रभु की ओर मुड़ेंगे तो वो है प्रभु आपको अपना आनंद और खुशी देगा. Listen to me. सुनिए हमारे Are you suffering under depression? और कि आप तनाव में दुख Are you suffering under frustration? क्या आप हताशा से पीड़ित हैं? Then you need to become a house of prayer. तो आपको प्रार्थना का घर होने की जरूरत है. You know, many people say, brother, मैं बहुत टेंशन में हूँ. बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई, मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत ऐसे प्रॉब्लम में फंसा हूँ. They are not people of prayer. वे प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं. And I'm not talking about praying for your needs, like Lord, give me a job, give me money. No, no, no. You come into the presence of God and say, Lord, I came to just fellowship with you. I just love you. और ऐसी प्रार्थना नहीं करें कि प्रभु मुझे नौकरी दे, मुझे ये दे दे. नहीं. आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूँ. मुझे आपकी ज़रूरत है. Friends, दोस्तों, when you become a house of prayer, जब आप प्रार्थना का घर बनते हैं, it's not to just become a house of prayer. मेरे बेटे को शादी करो, प्रभु, मेरे डॉगी को कुछ करो, you know, मेरा ऐसा. तेरे को तेरा बेटा किसने दिया तेरे को घर किसने दिया तेरे को Who gave you that daughter? किसने आपको बेटी दिया Who gave you that business? वो व्यवसाय आपको किसने दिया It's the Lord. ये है प्रभु Who gave you that house? वो घर आपको किसने दिया It's the Lord. प्रभु है ये When you die, you will leave it, रे बाबा Everything you leave and go. सब कुछ यही छोड़कर आप जाएंगे But only one Lord will go with you. वैसे एक ही प्रभु आपके साथ जाएगा Are you listening now? Okay, आप सुन रहे हैं अभी? So much worried. कितनी ज़्यादा आप चिंता करते हैं? Even them, I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. And make them joyful. You will come back and say, क्या हो गया? No, God will take care of their needs. Hallelujah. अगर कोई आपसे पूछे क्या हो गया, तो आप कहेंगे परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा. Their burnt offerings and their sacrifice will be accepted on my altar. उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे Then again God says something different. फिर उसके परमेश्वर फिर से कहता है My house shall be called a house of prayer for all nations. Hallelujah. क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा When a man becomes a house of prayer जब एक इंसान प्रार्थना का घर बनता है His life does not only impact the city his life starts impacting the nations. Hallelujah. उसकी जिंदगी सिर्फ शहर पर ही नहीं पूरे राष्ट्र पर प्रभाव डालने लगेगी How many listening right now किधर सुन रहे हैं इस वक्त May your life impact the nations और तो आपकी जिंदगी राष्ट्रों पर प्रभाव डाले May your life touch the nations आपकी जिंदगी राष्ट्र को छुए Somebody say amen मैं कहेगा आमेन You may be saying I'm a businessman I'm a businesswoman but you are a businessman of prayer you are a businesswoman of prayer and when you do business and prayer your business will touch the nations hallelujah आप भले कह रहे हैं कि मैं व्यवसायी व्यक्ति हूं मैं व्यवसायिक महिला हूं लेकिन जब आप व्यवसाय करते हो साथ में प्रार्थना भी करते हैं तो आपका व्यवसाय जो है राष्ट्रों को छुएगा a house of prayer एक प्रार्थना का घर for all nations सारे राष्ट्रों के लिए जयश्री यू आर अ टीचर राइट sit down this is not a word of knowledge listen you're a teacher right you're saying but how can I be a house of prayer for all nations when you are a teacher you're praying for your students you're a house of prayer your students will impact the nations and through you god will impact the nations receive this Jayashree how many understanding right now Said everyone, my house shall be a house of prayer. प्रार्थना का घर कहलाएगा. For all nations, सारे राष्ट्रों के लिए. For all nations, सारे राष्ट्रों के लिए. My friends, मेरे दोस्तों, this is what the Lord is teaching me. और यही तो प्रभु भाई को सिखा रहा है. Today, आज, I'm sharing these things with you. इन चीजों को आपसे बांट रहे हैं. Matthew 21. और निकाले जल्दी से मत्ती का 21वां अध्याय. And verse 13. उसका 13वां वचन. And it says, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. और फिर वचन ऐसा कहता है मैं लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है Now there are some things ऐसे कुछ चीजें हैं that can disturb your house
जो आपके घर की हालत को बिगाड़ सकती है. The Bible calls the devil a thief. और बाइबल ऐसा कहती है कि शैतान जो है वो एक चोर है. The thieves, the demonic powers, there are things in your house that defile your house. और देखिए दुष्शक्तियाँ ऐसी चीज़ें जो आपके घर को अशुद्ध कर सकती हैं. In a den of thieves, you know, lot of things are found. और देखिए डाकुओं की गुफा में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. That are not found in the house of God. और जो कि परमेश्वर के घर में नहीं मिलेंगी. Hello. So check your life. तो अपनी ज़िंदगी को जांचो. Whether this thing in my life is it part of the kingdom of God or is it a part of the den of thieves? और ये मेरी ज़िंदगी का क्षेत्र ये जो चीजें हैं क्या परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हुई है या डाकुओं की खो से जुड़ी हुई है? Hello. You never find alcohol in God's house. आप कभी भी शराब को परमेश्वर घर में नहीं पाएंगे. Some people are debating कितना लेना, इतना लेना. कुछ लोग वाद-विवाद करते रहते हैं, बहसबाजी करते हैं, कितना लेना, इतना लेना या इतना लेना. One fellow wrote to me. एक व्यक्ति ने लिखा. I only take 2 tablespoons. What to tell now? I wrote back to that man. भाई ने फिर से उनको लिखा. It's your money. ये तुम्हारा पैसा है. अभी क्या बहस करने का? He saying I don't drink much. I only take 2 tablespoons. और उसने ऐसे कहा मैं ज्यादा नहीं पीता, बस 2 चम्मच लेता हूं. बोले ले, मेरा पैसे से नहीं पी रहा, तेरे पैसे से फिर पी. But I wrote to him one more sentence. Sir, read the word. इन्होंने और एक वाक्य लिखा कि जनाब. Some people are debating. कुछ लोग बात-विवाद करते हैं. I only take one smoke. One cigarette. एक सिगरेट पीना चाहता बस. God doesn't love me. परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता. Of course God loves even the cats and the birds. यकीन लो प्यार करता है, कुत्ते बिल्लियों से भी, चिड़ियों से भी प्यार करता है, सबसे प्यार करता है. But you check now. मगर आप जांचिए. Whether that thing is of the kingdom of God or is it part of the den of thieves? और वो चीज जो है परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हुई है या डाकुओं की खो से जुड़ी हुई है? And if it is part of the den of thieves, और अगर डाकुओं की खो से जुड़ी हुई है, then remove it out of your life. तो अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. Some sisters. कुछ बहनें. One sister wrote to me. एक बहन ने लिखा. Not wrote to me. She spoke to me. She says. दरअसल बोला. I love Jesus. मैं यीशु से प्यार करती हूँ. But I'm so addicted to serials. मगर मुझे सीरियल देखना भी बहुत पसंद है. One finishes. एक खत्म होता है तो. Something happens to me. She says. कुछ होने लगता है मेरे अंदर. I see the next one. फिर मैं अगला कार्यक्रम भी देखती हूँ. And I see the next one. उसके बाद फिर उसके बाद. In case I miss the serial, I go to YouTube and watch that serial. अगर कहीं देखने से चुक भी गई हो तो फिर मैं YouTube पे जाकर वापस से उस कार्यक्रम को देखती हूँ. How many of you have a problem like that? और आप ऐसे कितने लोग ऐसी दिक्कत ऐसी समस्या आपके हाथ में? Our church is a holy church. हमारी कलीसिया पवित्र कलीसिया बन गई है. Only one person. You're like. Yeah, सिर्फ एक ही व्यक्ति. Put your hand up. Put your hand up. हाथ ऊपर उठाएंगे. Put your hand up. Just keep on watching. Keep on. बस आप बस देखते ही रहते हैं बार बार. Imagine Jesus in heaven watching serials. Imagine Peter and his wife watching serials. कि यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर वह सीरियल्स देख रहे हैं पत्रस की वाइफ. I understand one. I understand. But imagine it's an addiction. Tell your neighbor it has to go. अपने पड़ोसी को बोलिए इसे जाना है. There are things in your life. आपके जीवन में ऐसी चीजें. You know this woman is not going to be my wife. Then get rid of her. और आप जानते कि यह महिला मेरी पत्नी नहीं बनने वाली, तो उसे छुटकारा पा लो. This man is just for my body. Just get rid of the guy. और यह आदमी जो है बस मेरे शरीर के पीछे पड़ा हुआ है, तो उसे छुटकारा पा लो. He doesn't love me. He's only for my body. वो मुझसे प्यार नहीं करता, बस उसे तो मेरा शरीर चाहिए. Kick him out. उसे निकाल दो. Find a man who loves you. और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लो जो आपसे प्यार करता हो. How many listening right now? Are there things in your life? क्या आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें हैं? Which are part of the kingdom or part of the den of thieves? My friend, I don't have to tell you anything. Get rid of those things today. और ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हुई हैं, डाकुओं की खोज से जुड़ी हुई हैं. जो डाकुओं की खोज से जुड़ी चीजों को निकाल दो आज. Jesus found the temple. It had become a den of thieves. और यीशु ने मंदिर को पाया कि वो डाकुओं की खो बन चुकी थी. He cleansed the temple. और उसने उस मंदिर को साफ कर दिया. The first thing. पहली चीज. Sanctification. शुद्धिकरण. Say, write it down. Everyone say sanctification. सभी लिख लीजिए. शुद्धिकरण. Tell your neighbor sanctification. अपने पड़ोसी को बोलिए शुद्धिकरण. Is there any person part of your life who should not be part of your life? Eliminate those things. कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगी में ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, उसे उन्हें निकाल दीजिए. You're already married. आपकी शादी हो चुकी है. And you're chatting with your ex-girlfriend. और आप अपनी पहले की प्रेमिका से अगर आप चैटिंग कर रहे हैं. Many women write to me. My husband is sleeping next to me. He's chatting with his girlfriend. बोले ने कुछ नहीं. ही. I'm serious. You are looking. Some women are looking. Oh. How many men know this is true? कुछ नहीं, मेरा दोस्त है. अरे दोस्त? क्या दोस्त?
Get rid of those things. उन चीजों से छुटकारा पालो. I'm talking practical things. व्यवहारिक और लागूदार चीज़ आपको बता रहे हैं. You are already married. What are you talking to your ex-boyfriend, ex-girlfriend? The ex will have to be axed. Tell your neighbor, some things have to go from your life. अपने पड़ोसी को बोले कुछ तो आपके ज़िंदगी से जाने की ज़रूरत है. You see, Jesus was so compassionate, so loving, but he the same body which he shed his blood for, the same blood that was shed for you, your family, for the house of God. You think God will allow it just to be like this? No, my friend, those things have to go. Tell somebody, those things have to go. किसी को बोलिए उन चीज़ों को जाने की ज़रूरत है. In Jesus' name. यीशु के नाम में. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Somebody say praise the Lord. कोई कहे प्रभु की स्तुति हो. Somebody say praise. The Lord. वे कहे प्रभु की स्तुति हो. Give me verse 20, Matthew 21 and verse 14 quickly. पत्रिका किस अध्याय 14 वचन. Verse 14. It says then. Everyone say then. सब लोग कहे तब. The first thing. पहली चीज. Sanctification. शुद्धिकरण. You become a house of prayer. आप पर प्रार्थना का घर बन जाते हैं. And when the house of prayer becomes a, when the person becomes a house of prayer. और जब कोई व्यक्ति प्रार्थना का घर बनता है. He becomes an arena for the demonstration of God's power. तो फिर वो परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रदर्शन करने वाला केंद्र बन जाता है. Oh, you missed it, brother. Oh, आप चुक गए इसे. Hello, are you listening to me what I'm saying? Okay, आप सुन रहे हैं इस वक्त. God's power starts working in that place. परमेश्वर की सामर्थ्य उस जगह पे काम करने लग जाती है. God's power starts working in that house. परमेश्वर की सामर्थ्य घर में काम करने लग जाती है. God's power starts working through that person. परमेश्वर की सामर्थ्य व्यक्ति के जरिए काम करने लग जाती है. Then what happens? फिर क्या होता है? The blind and the lame come to him in the temple and he healed them. तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उनको चंगा किया. My friend, मेरे दोस्तों, when did these things happen? कब ये चीजें होती हैं? When the temple was cleansed. और जब मंदिर शुद्ध किया गया. Tell somebody when the temple was cleansed. किसी को बोलिए जब मंदिर शुद्ध किया गया. The power of God was seen. फिर उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई दी. May the power of God be seen in your life. परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी जिंदगी में भी दिखाई दे. Every person who mocked you saying where is your God, let them see the power of God in your life. हर एक व्यक्ति जिसने आपका मजाक उड़ाते हुए कहा कि कहां है तुम्हारा परमेश्वर, आपकी जिंदगी में वे लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को देखें. People came to you and said. लोगों ने आपके पास आकर बोला. Oh, you are going for prayer on Sunday morning so early in the morning. Why? Rest. रविवार को इतनी जल्दी सुबह तुम जाते हो प्रार्थना सभा के लिए. क्या क्या फायदा, मजे लो. Today onwards, आज के दिन से, you receive this revelation. ये प्रकटीकरण पाएंगे. They will say these words. वे इन शब्दों को बोलेंगे. Where are you going? I want to come with you. कहाँ तुम जा रहे हो? मैं भी आना चाहता हूँ. The blind, they are the blind. वे अंधे हैं. Because a blind man cannot come alone. क्योंकि अंधा व्यक्ति अकेले नहीं आ सकता. They will come with you. वे आपके साथ आएंगे. They will come with you. वे आपके साथ आएंगे. The lame person cannot walk alone. They will come with you. लंगड़ा व्यक्ति अकेला नहीं चल सकता. वे आपके साथ आएंगे. Somebody lift your hands. I receive. Hallelujah. When these things will happen. कब ये चीजें होगी? When your house, जब आपका घर is sanctified, शुद्ध किया जाएगा. Secondly, दूसरी चीज, when your house becomes a house of prayer, जब आपका घर प्रार्थना का घर बनेगा. The blind will come, अंधे आएंगे. But the lame will come, लंगड़े भी आएंगे. मुझे भी लेके चल यार, मुझे भी लेके चल. अकेला नहीं चल सकता हूँ, अकेला नहीं चल सकता हूँ. Hallelujah, बोले Hallelujah. Oh yes. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Friends, दोस्तों, why people are mocking you? और क्यों लोग आपका मजाक उड़ाते हैं? Why people are coming against the church? क्यों लोग कलीसिया के खिलाफ में आते हैं? Church में ही लफड़ा है. हेलो, यस, चर्च में लफड़ा है. बोले तू क्यों नहीं आया? वो नहीं आई ना, इसलिए मैं नहीं आया. अच्छा, उसके लिए आता क्या? वो तो तेरे को देख रही है. व्हाट रबिश मैन. ऐसा कोई नहीं बोलता क्या? खुदा तेरे को देख रहा है, संभाल. आई बिलीव इन मेन एंड वुमेन मीटिंग द लाइफ पार्टनर्स इन चर्च. आई बिलीव, बट इन चर्च आई एम नॉट ड्रीमिंग ऑफ समबडी. Even when I was a bachelor, I never dreamt of somebody. My focus was on the Lord. मैं चर्च में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं आता है. I come to meet the Lord. मैं प्रभु से मुलाकात करने आता हूँ. मैं चर्च में पैसा बोले 5,000 देना भाई, अगले संडे को देता हूँ. No sir, I come to meet the Lord. मैं प्रभु से मिलने आता हूँ. Can we change these things? क्या इन चीजों को बदल सकते हैं? I don't come in church to get the seat, this seat and that seat. Nothing against anybody over here. I don't fight for the seat because we are a prophetic church. God starts from the back. Come on. भविष्यवक्ता की कलीसिया परमेश्वर से पीछे से शुरू करता है. Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? छोड़ना second row, third row, first row, last row. मुझे पीछे बैठा यीशु मसीह काम कर रहा है. Church, I want to tell you this. कलीसिया आपसे मैं कहना चाहता हूँ ये. When these things, the church is sanctified. जब कलीसिया शुद्ध कर दी जाती है, the power of God will be seen. तब परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देगी. People's mouths will be shut. लोगों के मुंह बंद किए जाएंगे. The blind and the lame will walk. They will see. They will walk.
Church, I join my hands today to you. आज आपके सामने हाथ जोड़ते हुए. The first one. पहली चीज. Sanctification. शुद्धिकरण. Second. दूसरा. House of prayer. प्रार्थना का घर. Third. तीसरा. Demonstration. सामर्थ का प्रदर्शन. And the fourth. और चौथा. It becomes praise. यह स्तुति का केंद्र बने. Go to 15 right now. See, but when the chief priests and the scribes, they saw the wonderful things. Everyone say wonderful things. सभी लोग कहे अद्भुत कामों को. One pastor said, in our church, there are no signs and wonders. Only people are wondering. When there are no signs and wonders, people will only wonder. जब चिन्ह चमत्कार नहीं होंगे तो बस लोग जैसे सोचते ही रहेंगे, कल्पनाओं में ही रहेंगे. कितना सुन रहे हैं? When the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple and saying, "Hosanna to the Son of David," they were angry. My friends, when people will see these things happening, you know, all over the city, they will be praising God. जब लोग देखेंगे ये सारी चीजों को होते हुए पूरे शहर भर में हम देखते हैं वे प्रभु की स्तुति करेंगे. There's a great man of God in South Africa. दक्षिण अफ्रीका में परमेश्वर के महान जन. Who you know? Who is the spiritual father of Prophet Charles Ibrahim? जो भविष्यवक्ता चार्ल्स इब्राहिम जी के आत्मिक पिता. I told Prophet Charles Ibrahim, would you father me? Would you be my spiritual father? इन्होंने उनसे अनुरोध किया कि प्रॉफेट चार्ल्स इब्राहिम जी क्या आप मेरे पिता बनेंगे, आत्मिक पिता बनेंगे? He wrote to Prophet Charles Lukau. और उन्होंने अल्फ लुकाउ. उन्होंने भविष्यवक्ता अल्फ लुकाउ जी को लिखा. And he sent a message. और उन्होंने उनको संदेश भेजा. Take that man in. Hallelujah. और उन्होंने उनसे कहा कि उस व्यक्ति को ले लो. Are you listening, church? और क्या सुन रहे हैं इस बार? This man अल्फ लुकाउ. और ये व्यक्ति अल्फ लुकाउ जी. Amazing miracles. अद्भुत चमत्कार करते. Spends hours in prayer. घंटों घंटों बिताते प्रार्थना में. Amazing miracles. अद्भुत चमत्कार होते. Not only prophetic. सिर्फ भविष्यवाणी का ही नहीं. Healing. चंगाइयां. Deliverance. छुटकारा. Salvation. उद्धार. Amazing stuff. अद्भुत चीजें. Hey, do you know something, church? आप जानते हैं कुछ कलीसिया? The whole of Africa is shaken by the power of God. पूरी अफ्रीका जो है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हिलाई जा रही है. Friends. दोस्तों. Somebody says yes, Lord. किसी ने तो बोला हाँ प्रभु. I turn my back on sin. अब मैं पाप से अपना पीठ मोड़ लेता हूँ. I turn to Jesus. और मैं यीशु के लिए मुड़ता हूँ. Today will you be that person? क्या आज आप वो व्यक्ति बनेंगे? Will you be that person? क्या आज आप वो व्यक्ति बनेंगे? Will say no. जो कहेगा नहीं. I want to live for Jesus. मैं सिर्फ यीशु के लिए जीना चाहूँगा. And I tell you for God's glory. और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहता हूँ. Wherever you go. जहाँ कहीं आप जाएंगे. People will glorify God. लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे. I challenge you. Let's do it. मैं चुनौती देता हूँ. चलिए करेंगे हम. Let's do it. चलिए करेंगे ऐसा. Who's ready? Shout a hallelujah. कौन तैयार है? चिल्लाइए हालेलुया. I don't see a man. Where is your man? He's at home. Yeah, where is your man? आपके पति कहाँ पे? हाँ, घर पर है. घर पर है. I know. But though he is there, why do I see you alone? यदि वो है, लेकिन मैं फिर भी आपको अकेला देखता हूँ. क्यों? He don't. Hey. No. You alone. Okay. I know you are married. मैं जानता हूँ कि आपकी शादी हुई. Jesus, I wrote it down. Hallelujah. Hallelujah. You are standing alone. Who is working in your family? My husband. Nobody work. Husband. Thank you, Lord. He retired now. Huh? He retired. Who's working now? Abhi naukri kaun kar raha hai? Jesus. Where the money comes from? Paisa kahan se aata hai? After the retirement, what money got, he's saving. Jesus. You know, I see this woman alone, going everywhere alone. Aur main dekh raha hu is stri ko akela. Hey, talk to me. Were you going to shake your head or you going to talk? Yes. I'll move to somebody else, ma'am. Yeah, I will alone every time. Everywhere I see you alone. Yes. I see, listen to me. Jesus Christ, have mercy on me. I went to the western side. Where do you stay? Aap kahan pe rehte ho? Andheri East, Poonam Nagar. I saw you this side, yes. Listen, ma'am. Everywhere you travel alone, everywhere. Yes. There's nobody with you. Yes. Can I tell you something? Every curse of sickness in your family is breaking today in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. When I pray for you, I see somebody like Mag, something like Mag. Who is like Mag or something like this?
आपसे जुड़ा हुआ मैग करके को कौन है? You, I see one's name like a Mag. I don't know whether it is Magdalene, Maggie or something like this. I see this is a lady. This is a lady. Do you know against this lady, there is witchcraft against this family. You have been for many services. You have gone to, listen, hey, Jesus Christ, have mercy on me. Your eyes and ears have been totally closed. You have gone for every man of God service. This is not the first service you're attending. You have gone for so many services. Nothing has happened in your life. There is witchcraft against your family. Today it is breaking over your life in Jesus' name. It's Maggie. Don't worry. Out of her life in Jesus' name. You spirit of darkness, out. Break in Jesus' name. How do I know that so many meetings you have gone for? Is it written in your head? Speak, please. You wrote in a piece of paper. No. You contacted me on Facebook. No. You put it on WhatsApp. No. How do you know? How do I know? Because of Jesus. Thank you, Lord. Those games are over, church. Today, that witchcraft over your life is broken in Jesus' name. I see one name, Chandra, Bal, something like this. I don't know if it's two names or one name, Bal and Chandra. If your name starts with like Bal, I want you to come in front. Lord's presence is touching you. प्रभु की उपस्थिति आपको छू रही है इस वक्त. Just worship him right now. बस उसकी आराधना कीजिए. Just worship him right now. उसकी आराधना कीजिए इस वक्त. Just worship him. आराधना कीजिए इस वक्त. And ask him what he want. और मांगिए जो आपको चाहिए. Just come in front of those people, whoever you are. Your name starts by like Bal or it's Chandra, whatever. I just come in front. आपका नाम शुरू होता है बाल या चंद्र, जो भी, आगे आइए. Your name starts with Bal, just come in front. B-A-L, not Bal. Sir, I don't know what you do. नहीं जानते आप करते क्या हैं. But God gave me your name. मगर परमेश्वर ने आपका नाम दिया भाई को. Jesus, raise your hand and ask what you want. This is a rebuke from the Holy Spirit. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. I pray for this man. प्रार्थना करते हैं इस व्यक्ति के लिए. Today. आज. First thing I pray, let salvation come to this house. प्रार्थना करते हैं पहली चीज उद्धार इस घर में आए. Secondly I pray. प्रभु दूसरी बात के लिए प्रार्थना करते हैं. Do you have a sister? आपको कोई बहन है क्या? Yes. The Lord is changing her story right now in Jesus' name. प्रभु की कहानी को बदल रहा है इस वक्त. Because this man is praying for his sister. ये व्यक्ति जो अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रहा है. Thank you, Lord. I bless you in Jesus' name. आपको आशीष देते हैं. I don't know this man. Don't know anything about this man. इस व्यक्ति को नहीं जानते, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते भाई. Holy God. पवित्र परमेश्वर. I bless you in Jesus' name. आपको आशीष देते हैं यीशु के नाम में. Today. आज. Let every curse now see the deliverance that's going to happen. और देखिए जो छुटकारा होने जा रहा है. You did not believe in all these things, right? इन सारी चीजों में आप विश्वास नहीं करते ना? I see. You see the deliverance. देखिए देखिए. Let the curse break over this family today. Shaap toot jaa is parivar par. In Jesus name. Yeshu ke naam mein. Bala, the Lord called out your name. Bala, prabhu ne tumhare naam ko pukara. Out in Jesus name. Bala, out in Jesus name. Bala, somebody give Jesus a shout and say hallelujah. Koi to Yeshu ko suti vech chala bolenge hallelujah. That's how God calls out your name. What happens to you? See that? Can you see, pastors? The man is weeping. See that? Sir, the Lord has entered this house. From this day onwards, this house is changing. प्रभु इस घर में आ चुका है. आज के दिन से ये घर पूरी तरह से बदल रहा है. Blessing upon this house. आशीषें आ रही है इस घर पर. May the blessing come upon your house right now in Jesus' name. आशीष आपके घर पे भी आ जाए इस वक्त यीशु के सामर्थी नाम में. Every person in your family. आपके परिवार में हर एक व्यक्ति. May they receive the touch of Jesus in Jesus' name. यीशु के स्पर्श को पा ले यीशु के नाम में. Raise your hand. अपने हाथ उठाइए. Whether they are in Mumbai or whether they are in the native place. चाहे वो मुंबई में हो, चाहे गांव या देहात में कहीं हो. In the precious name of Jesus. यीशु के मूल्यवान नाम में. Thank you for touching them. धन्यवाद उनको छूने के लिए इस वक्त. And God's people said. और परमेश्वर के लोगों ने कहा. Amen. बोलिए आमेन. Give Jesus a big shout of praise and say hallelujah. चलिए यीशु को ज़ोरदार स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे, बोलेंगे हालेलुया. Dealing in garments. How do you deal in garments? Wholesale, retail.
with okay. the yeah, industrial yeah. industrial. Deal in garments, second row, yeah. third films. Row. Yes. Films. Okay. Can I tell you something? Yes. I saw my son and me. Okay. I saw a big assignment come to you in Jesus' name. Yes, बड़ा assignment आपके पास आ रहा है यीशु के नाम में. No, no. Seriously, I'm saying because you see, Amen. I saw the brook carried dry up. But there's another brook that's opening, says the Amen. Spirit of the Lord to Amen. You right now. Amen. Hallelujah. Amen. What do you deal in? I work in insurance firm. Insurance. Because when I was wait. When I was praying for this lady, I saw garments. That's what. And the Lord says, second row. Permission okay. garment can so, I speak, Pastor? Yes, please. Yes. In the month of July, when I had come to Karuna Sadan, you had broken the witchcraft over my son, and we were really dry and for 2 years. Right. But and you gave me the month of September that something would open. On the 20th of September, when I was kneeling down at about 2:15 in the morning, the Holy Spirit spoke to my spirit and said that today, 2 Corinthians 16:9, that effective doors for work is opening. On that very day, my son got a call from the South Film, and it was a humongous contract. And not only that, some people are not happy. May it come to you. And not only that, Pastor, it's continuing. Now my son is. Hey! There's another big order coming to him. No, listen. Watch this. And then Disney Hollywood has booked him for Aladdin play. And not only that. Yeah, come on. And Pastor, my business, I'm doing a little small thing. I opened this business 50 years ago, but my son has taken it to the skies. And I know. He's in Hollywood now. Hollywood. Yeah. Not Bollywood, Hollywood. Jesus! Wait, can I pray right now? Father, in the name of Jesus, let doors open for them in different places in India and abroad in Jesus' name. Who's receiving shout?